नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल सिविल इंजीनियरिंग नॉलेज बाय रामलखन यादव में। आज आप इस वीडियो में देखेंगे स्टेजिंग अरेंजमेंट ऑफ कंटिन्यूस आरसीसी वॉइडेड स्लैब, जिसका स्पैन लेंथ 90 मीटर का है। दोस्तों, आप इस वीडियो में इसका ड्राइंग के साथ साथ साइट पे स्टेजिंग अरेंजमेंट का पूरा डिटेल आप देखेंगे। अब हम दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं ड्राइंग के साथ। दोस्तों, ये लॉन्गिट्यूडनल एलिवेशन है अब सेंटर लाइन ऑफ डेक का। इसमें एबटमेंट नंबर A1, P1, P2, P3, P4 और A2 है। टोटल इसका जो लेंथ है 90 मीटर का है। एबटमेंट A1 और P1 के बीच में डबल रो में दो नंबर ऑफ रो टावर को प्लेसिंग किया गया है, जिसको हम ट्रेस्टल भी बोलते हैं, जिसका साइज 750x750 का है। इसको टावर भी बोलते हैं और कॉलम भी बोलते हैं। अब हम इसको आपको प्लान में दिखाता हूँ। दोस्तों, प्लान में दिया हुआ है A1 और P1। ये जो नंबर ऑफ रो है दो है, डबल रो है, कॉलम एक एक ये है दो। अब इसको हम जो प्लेसिंग किया गया है साइट पे, उसको आपको दिखा रहा हूँ। दोस्तों, ये एबटमेंट है A1। एबटमेंट के सेंटर लाइन से एक टावर के रो का सेंटर लाइन 4 मीटर 400 पे डबल रो में टावर को प्लेस किया गया है। सबसे पहले PCC किया गया है, PCC के बाद 300 का राफ्ट थ्रू आउट किया गया है, जिसका विथ 2400 है और इसका जो लेंथ है 12 मीटर का है। उसके बाद से इसमें दोस्तों कॉलम हेड 750x750x200 का दिया गया है दोनों में, और उसके बाद ये ट्रेस्टल दिया गया है। उसी प्रकार से दोस्तों जो सेकंड रो है, सेंटर लाइन ऑफ फर्स्ट रो से 9 मीटर 200 पे है। उसके बाद ये पियर से 4 मीटर 400 पे दूरी पे है। सेम यही डिस्टेंस हर एक पियर में फॉलो किया गया। एक रो में दोस्तों 9 नंबर ऑफ टावर प्लेसिंग किया गया है डबल रो में, जैसा कि आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 है डबल डबल टावर प्लेसिंग किया गया है। बॉटम का तो मैंने आपको दिखा दिया, PCC के बाद 300 का राफ्ट, उसके बाद से कॉलम हेड, कॉलम हेड के बाद टावर, टावर ये प्लेसिंग किया गया है थ्रू आउट बॉटम स्लैब तक। टावर के बाद दोस्तों इसमें जो टॉप फ्रेम है, फिर कॉलम हेड प्रोवाइड किया गया है ISMC 200 का 750x750 का। उसके बाद से इसमें जो ISMB 300 है क्रॉस बीम, उसको प्रोवाइड किया गया है। क्रॉस बीम के बाद इसमें ट्रस लगाया गया है, 8 मीटर 800 का जो ट्रस है वो लगाया गया है। जैसा कि आप इस प्लान में देख सकते हैं 8 मीटर 800 का ये ट्रस लगाया गया है। ट्रस के बाद ISMB 125 का रनर दिया गया है, सेंटर टू सेंटर 600 mm का स्पेसिंग पे थ्रू आउट ऑफ द स्लैब। उसके बाद से दोस्तों इसमें 50 mm का वुडन गुटका दिया गया है, वुडन वेजेज। उसके बाद से टॉप शटर प्लेसिंग किया गया है। तो ये पूरा टॉप से लेकर के बॉटम तक शटरिंग अरेंजमेंट हुआ, और ये हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइंड ये वर्टिकल ब्रेसिंग दिया गया है, जिससे टावर एक दूसरे से कनेक्टेड रहे। अब ये ट्रेस्टल कंप्लीट होने के बाद इसका टॉप में कॉलम हेड दिया गया है 750x750 का। उसके बाद से दोस्तों क्रॉस में MB 300 दिया गया है, उसके बाद से ट्रस दिया गया है 8 मीटर 800 का, ये ट्रस दिया गया है। ट्रस का ऊपर में दोस्तों 600 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग में ISMB 125 का रनर थ्रू आउट ऑफ द स्लैब दिया गया है। उसके बाद वुडन गुटका, और गुटका के बाद टॉप शटर प्लेसिंग किया गया है। यही प्रोसेस थ्रू आउट ऑफ द स्लैब किया गया है 90 मीटर स्पान तक। इसमें ग्रेडियंट भी है और सुपर एलिवेशन भी दिया हुआ है। प्रत्येक स्पान में 8 मीटर 800 का ट्रस लगा है,
जैसा कि आप देख सकते हैं इस वीडियो में। ये ट्रेस्टल को एक दूसरे से इंटरकनेक्ट रखने के लिए हॉरिजॉन्टल और ये इंक्लाइंड ब्रेसिंग दिया गया है, जैसा कि आप ड्राइंग में भी देख रहे थे साइड पे ऐसे ही प्लेसिंग किया गया है। यहाँ पे दोस्तों ये A2 है, यहाँ पे स्टेजिंग का काम चल रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं 8 मीटर 800 का ट्रस डालने के बाद रनर दिया गया है ISMB 125 का 600 mm सेंटर स्पेसिंग पे। अब मैं आपको इसका टॉप स्लैब का स्टेजिंग अरेंजमेंट जो किया गया है डाइमेंशनल डिटेल और शटरिंग प्लेसिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ टॉप से। अभी जो मैं व्यू दिखा रहा हूँ दोस्तों ये हिल साइड से है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये 8 मीटर 800 का ट्रस है, ISMB 125 से कनेक्टेड है, सारे ISMB स्टेगर्ड वे में। 12 mm का ये टाई रड है जिसमें एंगल क्लिट लगा हुआ है। सबसे पहले दोस्तों जो ये टावर है, टावर का लेवल कंप्लीट होने के बाद इसमें क्रॉस गर्डर प्लेसिंग किया गया है ट्रांसवर्स डायरेक्शन में। उसके बाद इसमें जो ट्रस है 8.8 मीटर का अनुसार लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में क्रॉस गर्डर के बाद टावर को प्लेसिंग किया गया है। उसके बाद से दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें ISMB 125 लगाया गया है थ्रू आउट। इसका जो विथ है 13 मीटर 500 वहाँ तक, जिससे कि इसका कैंटीलीवर पोर्शन भी कवर हो सके। मैं आपको हिल साइड का दिखाया, अब मैं आपको कैंटीलीवर जो पोर्शन है वैली साइड का दिखा रहा हूँ। वैली साइड में भी दोस्तों सेम प्रोसीजर रहेगा, जैसा ड्राइंग में दिया गया है उसी हिसाब से इसका जो हाइट है वो बढ़ गया है। उसके बाद जो मिडिल में ISMB 125 के बाद पैकिंग वुडन गुटका लगा करके और प्लेट को थ्रू आउट प्लेसिंग कर दिया गया है। दोस्तों ये वॉयडेड स्लैब का टॉप स्टेजिंग अरेंजमेंट है जिसमें शटरिंग प्लेट कंप्लीट हो चुका है, कैंटिलीवर और मिडिल पोर्शन 100 फीट का। उसका मैं सेक्शन वाइज आपको अभी दिखा रहा हूँ ड्राइंग प्लस शटरिंग का। ये 5 स्पान का कंटिन्यूस RCC वॉयडेड स्लैब है जिसमें इस टॉप प्लान में सेक्शन 1-1 दिया है, उसके बाद से सेक्शन 2-2, सेक्शन 3-3 और 4-4। ये हम देखेंगे पूरा डिटेल इसका कि इसका लेंथ क्या है, डाइमेंशंस क्या है, सारा सेक्शंस में दिखेगा। टॉप प्लान में दिख रहा है जो इसका इसमें जो वाइड फॉर्मर है 5 नंबर प्लेसिंग किया गया है, 1, 2, 3, 4, 5। इसका सभी का लेंथ अलग अलग रहेगा। जो विथ है सेक्शन जिसमें सुपर एलिवेशन भी है, सुपर एलिवेशन के अनुसार इसका जो विथ है वाइडनिंग वो बढ़ रहा है, 13 मीटर 500 है और स्टार्टिंग में 12 मीटर 900। तो चलिए हम इसका सेक्शन देखते हैं। ये दोस्तों सेक्शन 1-1 है जिसका जो विथ है वेरीज है 12 मीटर से 12 मीटर 727। इसमें सेंटर टू सेंटर ऑफ बियरिंग 4 मीटर है और बियरिंग से जो जैक लोकेशन का सेंटर है 650। उसके बाद ये जो कैम्बर स्लोप मेंटेन हो रहा है उसके 403 और इधर 50 mm का ये कंक्रीट वेजेज आएगा, इसको मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। और हेयर टॉप में 1200 का हाइट है, 500 एंड में है और सबसे जो एंड है कैंटीलीवर का उसमें 200 का है, जैसा कि आप देख सकते हैं। जो सेक्शन 1-1 दिखा रहा है दोस्तों एबटमेंट का A1 साइड का फेस का है, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका जो कंक्रीट का वेजेज आएगा 403 mm आएगा। यहाँ से जो इसका हाइट है 403 mm है और इसके जो एंड में बियरिंग लगा है इसका साइड
50 mm का वजन जाएगा। उसके बाद से एक कैंटीलीवर। अब हम आपको दूसरा जो इसका सेक्शन है उसको दिखा रहा हूँ। सेक्शन 1-1 में आप देख सकते हैं दो पेडेस्टल है, उसके बाद बियरिंग लगा हुआ है। ये बियरिंग का डिटेल मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें बियरिंग को प्लेस किया गया है विथ स्लीव बोल्ट एंड वाशर के साथ। इसमें टाइप GD1 है और 2। ये जो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में इसका SL का मतलब है स्लाइड इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। इसका जो किलो न्यूटन है 4341 किलो न्यूटन का ये बियरिंग है। इसमें जो स्लीव लगा है टॉप और बॉटम दोनों में प्लेसिंग कर दिया गया है। इसका जो सेकंड बियरिंग टाइप FR1 और 2। इसमें ये स्लाइडिंग बियरिंग है, ये लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में भी स्लाइड हो सकता है और ट्रांसवर्स डायरेक्शन में भी इसका लगा सकते हैं। ये फ्री बियरिंग है। ये बियरिंग से बियरिंग का जो सेंटर है 4 मीटर है, जैसा कि आप ड्राइंग में देख सकते हैं। अब मैं आपको इसमें जो दूसरा सेक्शन है 2-2 उसको दिखा रहा हूँ। इस सेक्शन 2-2 है दोस्तों। इसमें जो बॉटम का जो विथ है 7.5 मीटर का है और इसमें 700x700 का हंच है, उसके बाद 1200 का शो फिट हो गया और एंड में 500 और 200 इसका जो कैंटीलीवर पार्ट है वो है। और इसका जो कैंटीलीवर में वेरिएशन है 2250 से 2614 है, क्योंकि ये कर्व में है और स्लोप है, कहीं कहीं पे 7% है, कहीं 4% का स्लोप है। इनका परसेंटेज 4.7% का स्लोप है और सेक्शन 4-4 में 7% का स्लोप है। तो स्लोप के अनुसार इसका जो वाइडनिंग है वो वेरी करेगा, लेवल के अनुसार इसका जो विथ है वो वेरी करेगा। तो दोस्तों ये जो सेक्शन है 2-2 है, जिसमें आप देख सकते हैं हंच पोर्शन है। हंच ये 700x700 का हंच है। यहाँ पे जो एक हंच का एक एंड से दूसरे एंड का जो लेंथ है 3 मीटर का है। इसमें 3 पियर है। डिटेल बी में दिया है 703 1 मीटर, 1 मीटर ये 2 मीटर और ये 3 मीटर, यानी कि हंच का टॉप से ये 3 मीटर, ये जो फेस है 3 मीटर होना चाहिए, उसी हिसाब से ये 3 मीटर किया गया है शटरिंग का। 700x700 ये पियर की तरफ गया है, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं। दोस्तों अब मैं आपको सेक्शन 3-3 दिखा रहा हूँ। ड्रिल पार्ट से कटिंग किया गया है क्रॉस सेक्शन। इसमें पाइप दिखेगा 1, 2, 3, 4, 5। पाइप का डाया 800 mm का है। पाइप से जो डक्ट पाइप है उसका बॉटम में 200 का है और टॉप में 200 का है, यानी कि टोटल विथ 1200। ये 100 फिट हो गया 1200 का। सेक्शन 3-3 पे 7% का स्लोप है। ये जो मिडिल पार्ट है दोस्तों, ये सेक्शन 3-3 है। इसमें जो डक्ट पाइप लेइंग किया जाएगा, उस समय में पांच डक्ट पाइप को लेइंग किया जाएगा ये मिडिल पोर्शन में, जिसका जो विथ है 7.5 मीटर है। अब इसका जो सबसे एंड पोर्शन है सेक्शन 4-4 उसको मैं आपको दिखा रहा हूँ। सेक्शन जो 4-4 है एबटमेंट A2 का साइड में है। यहाँ पे सेम रहेगा जैसा सेक्शन 1-1 में हमने देखा। स्लोप जो है 575 एक एंड में रहेगा, दूसरे एंड में 50 mm। इसमें जो 7% का स्लोप है, इसका भी सेम सेंटर टू सेंटर ऑफ बियरिंग 4 मीटर है। उसका जैक लोकेशन से और बियरिंग का सेंटर 650 mm है दोनों साइड। दोस्तों ये रहा टोटल टॉप प्लान का स्टेजिंग अरेंजमेंट एज पर ड्राइंग के अनुसार किया गया है। सेक्शन वाइज मैंने आपको बताया। अब इसका अब डक्ट पाइप और स्टील रिइंफोर्समेंट जब प्लेसिंग होगा तो नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका दिखाऊंगा। अगर ये दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।